नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज का खास कार्यक्रम स्टिंग ऑपरेशन। अभी तक हमने आपको स्टिंग ऑपरेशन के दौरान दिखाया कि किस तरह से इस पाक की आड़ में जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा है, लेकिन आज आपको दिखाते हैं राजधानी लखनऊ के पौश इलाके आशियाना में, किला गांव के सेक्टर हम आशियाना में किराए के मकान में देह व्यापार का धंधा बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। आपको बताते चले कि ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से रेट तय किए जाते हैं और लड़कियों की तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजी जाती है, उसके बाद फोन कॉल पर होता है तय लोकेशन। लोकेशन तय होते ही जब ग्राहक फोन करता है, एक व्यक्ति आकर उसे रिसीव कर फिर ले जाता है किराए के उस मकान पर जहां हो खुला है वैश्यालय। गौरतलब है कि घरों में होटलों में लड़कियों की सप्लाई भी बड़े स्तर पर हो रही है, जिसका रेट 5,000 से 10,000 रुपए है। जिस्म फरोशी का यह धंधा मुकेश पाल करवा रहा है, इसका संचालक भी मुकेश पाल कर रहा है। स्टिंग ऑपरेशन में संचालक मुकेश देखिए किस तरह से बता रहे हैं कि 100 फोटो दिखा रहा हूं और ये सभी जब चाहोगे तब मिल जाएगी। थाना आशियाना पुलिस और लखनऊ पुलिस इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन हम स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्पा सेंटर ही नहीं, घरों में भी वैश्यावृत्ति का ये कारोबार फलता फूलता जा रहा है। आपको बता दें कि किस तरह से इस दलदल में युवक युवतियां फंसते भी जा रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान पत्रकारों को दो नेताओं के द्वारा धमकी भी दे दी गई। प्रिया यादव खुद को तथा कथित मानव अधिकार संस्था की सदस्य बताती है, एवं अतुल द्विवेदी राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी महानगर के नेता ने पत्रकार को धमकी दे डाली, जिसका ऑडियो अभी स्टिंग ऑपरेशन में आप सुनेंगे भी। उसके साथ साथ आपको बता दें कि वैश्यावृत्ति का ये कारोबार राजधानी लखनऊ के तमाम जगहों पर चल रहा है, जहां हंगामा टाइम्स न्यूज की टीम लगातार स्टिंग ऑपरेशन कर रही है। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान पत्रकारों पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगते हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि उन्हें संरक्षण देने वाले ये नेता आखिर किस हद तक गिरे, गलत चीजों का भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि शायद इन्हीं के संरक्षण में देह व्यापार का ये कारोबार स्पा सेंटर से घरों तक पहुंच गया है। आइए आपको दिखाते हैं स्टिंग ऑपरेशन में आज एक बहुत बड़ा खुलासा कि राजधानी लखनऊ के पौश इलाका आशियाना क्षेत्र के किला गांव में किस तरह से धड़ल्ले से जिस्म फरोशी का एक गंदा खेल घरों में चल रहा है। किराए का मकान लेकर संचालक मनोज पाल और उसके साथ कई युवतियां इस दलदल में फंसती हुई चली जा रही। पुलिस को कानो कान खबर भी नहीं कि उन्हीं के क्षेत्र में जिस्म फरोशी का ये गंदा खेल चलता जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं स्टिंग ऑपरेशन में आज फिर एक बड़ा खुलासा कि किस तरह से रेट तय किए जाते हैं और किस किस होटलों में ये लड़कियां जिस्म फरोशी का ये धंधा कर रही हैं। कुछ है क्या? आप परेशान मत होइए, हमको खुद डर लगना चाहिए कि मैं आया हूं यहां पर तो सही जगह पर। कब से मेरा फर्स्ट बार है, काफी टाइम यहाँ पे नहीं। अच्छा, कहीं और थी? बात कर रहे, अकेले में बात करने की तो वही हमने कहा। आ रहे उधर ही, आ रहे बैठिए आप। उधर तो आपके पास वो है कोई जगह को होगी जिसे स्टाफ बुलाओगे उधर? हाँ मिल जाएगी। हाँ है? हाँ तो उधर से यार उधर भिजवा दिया करेंगे ना, फोन करके पास ही पड़ रहा होगा। अच्छा उधर है? असल बात हम यहाँ जब आते थे, पहले जब हम आते थे आपको बताया नहीं था, एक लिफ्ट थे तो उनके पास स्टाफ नेपाल के थे, पॉलिटेक्निक पे हैं, लेकिन वो भाभी जी थी एक जो करवाती थी वो खत्म हो गई, बुड्ढी बुड्ढी टाइप की थी, तो वो उनके पास स्टाफ थे, 5 स्टाफ था उनके पास। उधर क्या पॉलिटेक्निक से आएंगे भिजवा दिया करेंगे उधर ही ना, लड़का है ना वहाँ। उनका चार्जेस अलग होगा? वही चार्जेस। अच्छा, सिर्फ फुल नाइट के लिए ले भैया? क्या रेट उसका? उसका भी चलो, ये फोटो देख के जब आप कहेंगे ये लीजिए तब रेट बता। अच्छा, थोड़ी चाय कम कर लीजिए यार। स्टार्टिंग तो हमारे पास 1,000 रुपये से है और 3,000 तक की होगा। वो तो 100 का होगा, 1,000 रुपये शॉर्ट नाइट चलते हैं भैया। कंपनी वाले की क्या होता है। हेलो हेलो, अच्छा
हाँ जी हाँ जी बताइए। नमस्कार भैया। हाँ जी बताइए। हाँ जी भाजी बताइए। और पास में पड़े जी मैम जो दारू स्टेशन हमारे जो दारू बिठाया हट अगर से काटता है और टूबा उठा कर दारू खा का अब सुधार लाना पड़ेगा दवा कराया नेपाल से कोई ना कोई है अभी तो भैया सबने कहा था अभी ये है चलो बुलवा दीजिएगा 10-15 मिनट लगे आधा घंटा लगे। अरे तेरे कहाँ रहिए भैया। अरे तब तक फोटो डाल देते भैया फोटो डाल देते भैया आए थे दिखा देते घर पे कितना समय लगेगा। हाँ हाँ ठीक है एक चीज आपको बताएं माल हम लोगों के पास बहुत है पूरे लखनऊ से हम लोग कहीं से उठा सकते हैं बस आदमी पैसा दे। अभी जैसे आपने कहा पैसे नहीं देते जो मेरे मित्र आ रहे हैं उनको पढ़ना सिम काम है कम से कम भाई तुम्हें वो 100 फोटो डाल देंगे वो 100 मिल भी जाएंगे समझ रहे। इनका कितना है बताए तो सही बताइए यार ये वैसे सही नहीं लग रही हैं जो चीज़ें हम आपको बता दें खुल के देखो मैं छुपाता नहीं उसकी काम तो सही है ना और अभी फिलहाल के लिए भी देख लीजिए बाकी वो फोटो देखें उसमें पसंद आया तो बताइए मैम से मिल सकता हूँ मिल सकता ये फोटो देख के जब आप कहेंगे ये लीजिए तब रेट होता नहीं पता तुम्हारा बवाल पक्का था हमको भले ना मिले भैया फिलहाल नहीं मैम पहले इससे एक्चुअली ट्रांसपोर्ट का काम था उस पर मैंने मेंशन किया होता ट्रांसपोर्ट का अभी ये जल्दी नया काम डाल जी 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 हेलो जी भैया मैम 2 साल हो गया डाले हुए बढ़िया नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं मैम फोन दे दो भैया देख लेंगे निकाल दीजिए हेलो ये लो आगे बढ़ा के देख लेना चेक करके हाँ होटल में है सब रूम पे नहीं है ठीक है ठीक है मामा अरे कहाँ है तो ठीक है आलम बाकी है क्या आलम बाकी है सब बाहर ही लेके आया लोकल कोई नहीं लेता मतलब 200-150 किलोमीटर से भी लकी को नहीं लेते हेलो हाँ पत्रकार बोल रहे हो कौन से पत्रकार बोल रहे हो तुम भैया आप कौन अतुल डेली राष्ट्रीय वाहिनी जमा सकते हो नहीं कहाँ से भैया राष्ट्रीय वाहिनी से बोल रहा हूँ तुम कौन से पत्रकार बोल रहे हो नहीं नहीं आपसे फोन किस किया हम तो बोल रहे पत्रकार ही बोल रहे आप बड़ी वसूली कर रहे हो सुना है कौन कौन कर रहा है 25,000 रुपए मांग रहे रिकॉर्डिंग आपकी हमारे पास कौन कह रहा है कौन कह रहा है आपकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है 25,000 रुपए पत्रकार बंधु कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जो आप पहले ही अपने आप से जो बता रहे हो बिहार के बता रहे हो कि ये है सब तो एक काम करिए ना
उस चीज को हमको भेज दीजिए या किसी को बता दीजिए, चला दीजिए उसको। मैंने अगर करा हो तो कुछ चीज वसूली। आप कौन से पत्रकार बोल रहे हो? आप बोल रहे हो जो गंदे काम करते हैं आप उसका संरक्षण करते हैं क्या? आपने फोन काहे किया पहले मैं ये बताइए। आप जो सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, कहीं भी कुछ गलत हो रहा है या कहीं चकला घर तो अच्छा देते हो? अरे आप वसूली करो किस वेस्ट की हमको? आप वसूली करो। आप रिगार्डिंग वसूली कर रहा है 25,000 रुपए कौन कह रहा है? पूरी पूरी रिगार्डिंग हमारे पास है। पूरी रिगार्डिंग है चाहिए कर दीजिए, दे दीजिए किसी को अगर है तो। रिगार्डिंग कहाँ मिलोगे? कहाँ मिलोगे तुम? नहीं तुम ये बताओ पहले से सुनो, गंदे कामों में जो तुम फोन कर रहे हो, गंदे कामों का नाम लेकर वसूली करोगे? तो हम कहाँ कर रहे हैं वसूली? जाइए अगर है तो। तुमने मांगे 5,000 रुपए, कोई पैसा नहीं मांग रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप ही अपने आप से बता दो कि बता रहे हो। मैं तो कहाँ पर हो बता दो, कौन से पत्थर बंदू बोले जरा मेरे कहो से तुम इलेक्ट्रिक 200 के कार्ड बनवा के राष्ट्रीय। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी, मैं प्रिया यादव बोल रही थी। कहाँ से? मैं बोल रही हूँ यहीं से बोल रही हूँ, आलमबाग से। आलमबाग से शिवम बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, गलत नंबर लगा दिया आपने। कौन बोल रहे हैं? शिवम नहीं बोल रहे हैं, संदीप बोल रहे हैं। बताइए। अरे सॉरी, संदीप बोल रहे हैं ना वो पत्रकार। आप कौन? पहचान नहीं पाया। पत्रकार संदीप जी बोल रहे हैं। जी जी, आपको पहचाना नहीं मैडम। आपका एक मैटर आया है हमारे पास। मैटर आया? हाँ। किस चीज का? ये कोई शिवानी पाल करके लड़की है, खिलाफ रहती है। शिवानी पाल? हाँ, मुकेश पाल, शिवानी पाल। जी जी, हम पहचान नहीं पाए उनको। आप उनको नहीं पहचान पाए? नहीं नहीं। अच्छा, उनको नहीं पहचान पाए आप तो ठीक है। ये बताइए आपसे मुलाकात होनी थी, कहाँ करेंगे? अभी तो मैं कहीं आया हूँ, बताइए आप कल करिए।